चोरी की घटना से शहरवासी चिंतित, पुलिस निगरानी की मांग उठी। माल बाजार शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से चिंतित शहरवासियों ने पुलिस प्रशासन से विशेषकर रात के समय इलाके में गश्त लगाने का मांग किया। जानकारी के मुताबिक रविवार की रात शहर के डेली मार्केट इलाके में सुबोध दत्त नाम के एक व्यवसायी की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने नगद 10,000 रुपए, सिगरेट समेत कई अन्य सामान लेकर फरार हो गए थे। तब कितना को हथियार रे? एक ठो आए रहे, दंता लो लाए रहे। तो कितना बजे जैसे ना रेत गिरी? 3 बजे। तो ये कौन सा जगह है? तब ये ठो है के हनकर डामडिम टी एनजे गोसालन। तब दादा हिया सन का खुती कर के लग हिया? खुती तो हिया बेसे कह रहे, चौर के खलाक, आटा के खलाक, और आदमी नहीं निकलता है तो और का खाए देता, बहुत कुछ खा लगता हूँ। 2 बोरा तो मोर चौर के खाला, 1 बोरा तो आटा ही रहे, बेसन आटा, 20 पैकेट रहे, सेखो खाए दलक। तब प्रशासन से क्या मदद मांगल तू? नहीं मैंने क्या लगी प्रशासन से? प्रशासन से तो कोनो हमने के देबा है, हमने एक सुजुक हुई ये मर सी खरीदा में डिजाइन डिजाइन। अपना नाम? सपू पाल। गतकाल रात अपना दुकान चोरी हुई? हाँ। কি জিনিস গেছে? ওই হরলিক্স গেছে কিছু, 5-7টা প্যাকেট, আধা কেজি এভরিডে গেছে, 5-7 প্যাকেট। তারপর আমুলেরও ওই রকমই গেছে, আর তেল নিয়ে গেছে কিছু, আর ক্যাশে ছিল, বেশি টাকা ছিল না, ওই 1,000-1,200 টাকা মতন ছিল, এগুলো নিয়ে গেছে। তা আপনারা এখন কি চাইছে? আমরা চাইছি একটা পাহাড়ের ব্যবস্থা, সিভিল পুলিশ বা পুলিশি টহলদারি। হ্যাঁ, পুলিশি টহলদারি, আর সেরকম যদি ইয়ে হয়, যদি একটা সিসি ক্যামেরা যদি বসানো যায় এখানে, অচেনা লোকজন ঘোরাঘুরি করলে আর কি বোঝা যায়। আপনাদের দোকানে চুরি হয়েছিল? হ্যাঁ, চুরি হয়েছিল। কবে হয়েছিল? এই 2 দিন আগে। কি কি জিনিস চুরি গেছিল? আমার গুটখা, সিগারেটের প্যাকেট, নগদ 8,000 টাকা চুরি হয়ে গেছে। এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে আমাদের এখানে সিভিক পুলিশ রাতে একটু ইসে করুক, টহল দিক, আর এদিকে নেশার উপদ্রব একটু বেড়ে গেছে, তাই এদিকে একটু পুলিশ সবসময় একটু দেখুক রাতে, তাহলে চুরিটা কমতে পারে। আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বজিৎ দত্ত। सुबोध दत्त का बेटा विश्वजीत दत्त ने बताया कि प्लेटफॉर्म से सटी जगह पर नशा गिरोह का अड्डा बनाते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस को नियमित गश्त के अलावा रात्रि के समय निगरानी करने की सख्त जरूरत है। हालांकि माल पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए तीनों लोगों को अपनी हिरासत में लेकर घटना की छानबीन में शुरू कर दिया है।